नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ साक्षी। और बात आज आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड मूवी बाला की, जो सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इन शॉर्ट, जो गोरा है वो सुंदर है। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हमारी टोपी हमारी मर्जी। धूप लग रही है क्या? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे हो, हटाओ। तो चलिए जल्दी से आपको मूवी का रिव्यू कर देते हैं, आपको बता देते हैं क्यों आपको ये मूवी देखने जाना चाहिए। फिल्म कानपुर के एक मिडिल क्लास फैमिली के बाल मुकुंद की कहानी है, जो अपने सर के झड़ते बालों से परेशान है। कंपनी ने उसे लड़कियों की फेयरनेस क्रीम बेचने में लगा रखा है और वह मानता है कि सुंदर दिखना सिर्फ लड़कियों का ही नहीं बल्कि लड़कों का भी उतना ही हक है। जीवन में उसका सारा दुख बस खुद के उम्र से ज्यादा दिखने का है और जिसकी वजह है सर पर बाल कम होते जाना। आखिरकार वह इसका तोड़ ढूंढने में कामयाब रहता है और फिर उसे मिलती है एक टिकटॉक स्टार यानी कि यामी गौतम, जिन्हें दुनिया का बनावटीपन हर दर्जे तक पसंद है। वहीं भूमि पेडनेकर हैं, जो आयुष्मान की बचपन की स्कूल में थे, जो उन्हें बार बार आईना दिखाने की कोशिश करती हैं, मगर वह लतिका से बहुत चिढ़ते हैं। पेशे से जानी मानी दबंग वकील लतिका काले रंग के कारण नकारी जाती रही है, मगर उसने कभी खुद को हीन महसूस नहीं कराया। उधर बाल उगाने की हर तरकीब आजमा चुके बाला जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए खुद को तैयार करते हैं तो उसे पता चलता है कि डायबिटीज के कारण उसे समस्या हो सकती है। लगे रहो, भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। हर तरह से हताश होने के बाद वह अपने पिता सौरभ शुक्ला द्वारा लाया हुआ विग पहनते हैं तो उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा लौटने लगता है। उसी कॉन्फिडेंस के बल पर वह टिकटॉक स्टार परी यामी गौतम से अपने प्यार का इजहार करते हैं। बात शादी की मंजिल तक पहुंचती है मगर परी बाला के गंजेपन से अनजान है। क्या होगा जब उसे बाला के गंजेपन की सच्चाई का पता चलेगा? क्या बाला खुद अपने गंजेपन को स्वीकार कर पाएगा? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डायरेक्शन के बारे में। निर्माता दिनेश विजन और निर्देशक अमर कौशिक की जोड़ी स्त्री के बाद फिर लौटी है, एक और दर्जदार फिल्म इसे कह सकते हैं। दिनेश विजन हिंदी सिनेमा में बीच से हटकर फिल्में बनाने वाले निर्माता के रूप में पहचान बना रहे हैं और अमर कौशिक ने लगातार दूसरी फिल्म में दर्शकों को प्रभावित किया है। फिल्म सीरियस मुद्दा कवर करती है लेकिन कॉमेडी ह्यूमर के साथ, दमदार डायलॉग्स के साथ दमदार एक्शन है इस फिल्म में। इसके अलावा डायरेक्शन भी कमाल की है और अगर मनोरंजन के साथ मैसेज देने वाली फिल्मों के आप शौकीन हैं तो इस फिल्म देखने आप जरूर जा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी तमाम बड़ी देश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। शुक्रिया।